लेके आ रहे हैं ताबीजों की। हर वीडियो में दो ताबीजों के बारे में बताया जा रहा है। हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें केवल हम ही ला रहे हैं, आपको विविध विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। तो आज का पहला ताबीज है लंगर ताबीज। मित्रों, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ताबीज हो सके तो चांदी का बनवाए, और यदि संभव हो तो स्वयं एक बैठक में 10,000 बार मन से अभिमंत्रित कर लें, या किसी योग्य पंडित आचार्य या किसी भी योग्य व्यक्ति से उसे अभिमंत्रित करवा लें 10,000 बार एक बार में पढ़ के। आप स्वयं भी इसे पूजा घर में रख के अभिमंत्रित कर सकते हैं। ये लंगर या एंकर इंग्लिश में कहते हैं, इसका ताबीज जो है ये आशा का प्रतीक माना जाता है। अब आशा का प्रतीक कैसे, नाविक लेके जाते थे, जमीन दिखाई पड़ती थी, डालो लंगर डालो, तो इस ताबीज को आशा का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारी धातुओं से इसे बनाया जा सकता है, मैंने आपको बताया चांदी का आप बनवा लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस ताबीज के बारे में आपसे कहूंगा, इसे यदि आप लोहे का बनवा लें तो ये चांदी से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मूल रूप से लोहे के ताबीज के रूप में ही सबसे अधिक फायदा करता है। वैसे चांदी का, तांबे का, सोने का कोई सा भी बनवा लें, यहाँ पर मैं लोहे को विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूंगा। यदि आपका चांद बिगड़ा हुआ है, यानी चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ है, शनि खराब है, या आप कर्क या मकर राशि के स्वामी हैं, तो भी ये ताबीज आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। एक ताबीज है मनकों की माला का ताबीज। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न उठ सकता है, ये मनकों की माला का ताबीज पहनने की जरूरत है, मनकों की माला ही ना पहनने। मित्रों, ताबीज का अलग प्रभाव होता है और माला का अलग प्रभाव, और कुछ चीजें उसी तरीके से करी जाती हैं जैसे वो होती है। तो मनकों की माला का ताबीज में क्या होता है, मनकों की माला को जैसे आप देख रहे हैं वैसे आप बनवा लें, ये ताबीज के रूप में होंगे, इतनी बड़ी नहीं बनवानी, थोड़ी छोटी बनवानी मनकों की माला, या खुद बना लें मनकों की माला जैसे कि बताई गई है, और यदि हो सके तो 10,000 बार इंद्रजाल मंत्र से अभिमंत्रित स्वयं कर लें या किसी से करवा लें। ये होते हैं सर्वव्यापी देवता के प्रतीक, यानी ईश्वर जो सब स्थानों पे है, सर्वव्यापी, उसके प्रतीक माना जाता है ये मनकों की माला। इनके दो फायदे, ये कठिनाइयों से, खतरों से आपकी रक्षा करते हैं, और प्रेम के मामले में बड़े सहयोगी होते हैं, खासतौर से स्त्रियों के पार्ट से। यानी अगर स्त्री इससे पहनती है मनकों की माला के ताबीज को, तो ये काफी लाभकारी होते हैं। ये भाई इनका तरीका ये, अपनी भुजा के आकार का बना ले मनकों की माला, जो आपको दिखाया जा रहा है चित्र में, जो भी उतने नंबर में हो, जितने भी हो, और भुजा में इन्हें धारण करें मनकों की माला के ताबीज को, काफी लाभकारी होते हैं। स्त्रियों को मिल रहा है वो अपनी बाईं भुजा में धारण करें, पुरुषों को मिल रहा है वो दाईं भुजा में धारण करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप चाहे स्त्रियों चाहे पुरुष, ये हमारा आपसे अनुरोध हमेशा रहे। फिर मिलेंगे इसी चैनल ओम आलोक पर। नमस्कार।